अगर आपको सड़क पर नियम तोड़ने की आदत है तो ये खबर आपके लिए है, क्योंकि ऐसी मनमर्जियों पर अब ब्रेक लगने वाला है। ट्रैफिक नियम तोड़ने पर अब ना सिर्फ भारी भरकम जुर्माना भरना होगा बल्कि जेल भी हो सकती है। राज्यसभा से भी पास हुआ मोटर व्हीकल संशोधन बिल 2019। बिल में ट्रैफिक नियम तोड़ने पर सख्त सजा और जुर्माने का प्रावधान। इसी महीने राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद जुर्माने की बढ़ी दरें लागू होंगी। नाबालिग ने एक्सीडेंट किया तो पेरेंट्स को 3 साल तक की जेल। सड़क हादसे रोकने ट्रैफिक नियम का पालन करने के लिए सख्ती। राज्य सरकारें अपनी सुविधा के अनुसार नीति लागू कर सकेंगी। अब सड़क पर मनमानी जेब पर भारी पड़ेगी। ट्रैफिक नियम तोड़ने पर भारी जुर्माना लगेगा। शराब पीकर गाड़ी चलाने पर 10,000 रुपए तक का जुर्माना लगेगा, जबकि गलत तरीके से गाड़ी चलाने और ओवर स्पीडिंग पर 5,000 रुपए तक जुर्माना देना होगा। गाड़ी चलाते वक्त फोन पर बात करने पर 5,000 रुपए का जुर्माना लगेगा। बिना हेलमेट गाड़ी चलाने पर 1,000 रुपए जुर्माना और 3 महीने के लिए लाइसेंस जब्त किया जाएगा। एम्बुलेंस को रास्ता नहीं देने पर 1,000 के फाइन का प्रावधान है। अगर नाबालिग गाड़ी चलाता है तो अभिभावक दोषी माना जाएगा और गाड़ी का रजिस्ट्रेशन भी रद्द कर दिया जाएगा। साथ ही 25,000 रुपए के जुर्माने के साथ 3 साल की जेल का भी प्रावधान है। इम्प्रूवमेंट के लिए कोई चीज है तो वैसे भी लोगों को अपने ऑटोमेटिकली अंदर जो होना चाहिए कि वो चीजों और नियमों का पालन करें। सजा का प्रावधान है तो जब व्यक्ति नहीं मान रहा, अनुशासनहीनता कर रहा है तो बिल्कुल उसको सजा देनी चाहिए। डर की वजह से फॉलो तो करेंगे। अमूमन पहले लोग 50% हेमलेट नहीं लगाते थे, अब लगभग 90% लोग दिखते हेमलेट लगाए हुए हैं, तो ये बहुत सही है। खराब सड़क की वजह से एक्सीडेंट होने पर सड़क के ठेकेदार, कंसल्टेंट और संबंधित एजेंसी पर भी FIR होगी। अब खबर राजधानी दिल्ली से। अगले साल चुनाव से पहले केजरीवाल सरकार ने मुफ्त बिजली का ऐलान कर दिया है। दिल्ली में अब 200 यूनिट तक बिजली का बिल नहीं भरना होगा। वहीं बीजेपी ने इसे केजरीवाल का चुनावी लालच करार दिया है। केजरीवाल सरकार का बड़ा दाम, बिजली फ्री करने का ऐलान किया। दिल्ली में 200 यूनिट तक बिजली का बिल मुफ्त किया गया। दिल्ली में आज से ही बिजली मुफ्त करने का फैसला लागू। बीजेपी ने दिल्ली में बिजली फ्री करने को चुनावी लालच बताया। दिल्ली में अगले साल चुनाव, वोटर्स को लुभाने की कोशिश। 201 से 400 यूनिट तक बिजली बिल पर 50% सब्सिडी। राजधानी में आज से बिजली फ्री हो गई है। 200 यूनिट तक बिजली खर्च करने पर अब कोई बिल नहीं भरना पड़ेगा। इतना ही नहीं, 200 से ऊपर 400 यूनिट तक बिजली का बिल आधा किया गया है। मुख्यमंत्री केजरीवाल ने कहा कि 2013 से पहले 200 यूनिट बिजली के लिए 900 रुपए देने पड़ते थे। वहीं बीजेपी ने इसे चुनावी लालच बताया है। जो जो लोग दिल्ली के अंदर 200 यूनिट तक खपत करते हैं, उनको अपने बिजली के बिल देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, उनके बिजली के बिल माफ। तो चुनाव आने पर फिर वैसा ही इन्होंने झांसा देने की कोशिश की है जैसा इन्होंने चुनाव 2015 के पहले किया था, पानी माफ बिजली हाफ। और जो रेट लिया वो 4 गुना ज्यादा, जो आपने 55 महीने जो बढ़ा हुआ रेट लिया है, लगभग 7,000 करोड़ रुपया दिल्ली की गरीब जनता से लूटा है, वो कब रिफंड करेंगे? दिस इज द मेन क्वेश्चन। बिजली में छूट और सब्सिडी से दिल्ली सरकार पर करीब 1800 करोड़ का खर्च आएगा।